It's fabulous. It's mind-blowing. It's like speechless. I can't say anything about that movie because it's like all-time blockbuster for sure. It's going to break all the records. That's the guarantee. How was Salman Khan? Man, you must go and watch the movie if you have not seen, because at the age of 52, he has shown his that awesome body. It's like, that's fabulous. Like, anybody can't do it. No one can do it that. Obviously better than Ikhtha Tiger. Obviously it's a sequel and it's like much better than Ikhtha Tiger. In real life it's like, I should not say that, but in real life also they have a good chemistry. And in movie also it's just mind-blowing. 10 stars. Thank you. Like, the critics have given 5 out of 5. So we should get 10 at least. Thank you. Definitely Salman has swagat kiya sab logon ka. और डबल स्वागत किया, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म एज आई एम अ बिग सलमान फैन एंड ये है मेरे फ्रेंड्स की फिल्म ही, तो प्लीज़ जाइए एंड देखिए, यू डेफिनेटली गेट इट. ऑल द एक्शन सीन्स सर, ऑल द एक्शन सीन्स. सो बेसिकली द केमिस्ट्री लाइक कि फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा अच्छा दिखाया हुआ था, इसमें उतना ज़्यादा है नहीं, बट इट्स आउटस्टैंडिंग. सो 5, एज आई सेड आई एम अ बिग सलमान फैन, सो इट्स अ 5/5. ओके सर, थैंक यू. फिल्म बहुत ही बेहतरीन है. फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा स्लो है, बट सेकंड पार्ट पैसा वसूली. केमिस्ट्री तो सलमान एंड कैटरीना का मस्त जबरदस्त है और फिल्म देखने लायक है. एक था टाइगर के कंपेयर से अगर देखा जाए तो ये ही सुपर डुपर हिट होने वाली है. जी 4. Amazing, amazing. Superb. बहुत बकवास मूवी थी, जरा पसंद नहीं आई मुझे. सलमान खान से तो एक्सपेक्टेड नहीं था. सॉन्ग्स में नंबर 1 मूवी थी एज अ सॉन्ग परस्पेक्टिव में. अगर ओवरऑल मूवी देखा जाए तो मैं सिर्फ 2 स्टार दूंगा सर. एकता टाइगर के कंपैरेटिव नहीं है. 2 स्टार्स दूंगा मैं. टू गुड. वेरी गुड. जैसा एक्सपेक्टेशन था ना वैसे. टाइगर जिंदा, इनफैक्ट भाईजान जिंदा है, सलमान खान जिंदा. आफ्टर ट्यूबलाइट आई थिंक ही इज बैक अगेन, बैक विद अ बैंग. बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अ लॉट. एक के बिना दूसरा अधूरा लग रहा है, दूसरे एक के बिना दूसरा अधूरा है. मतलब आई थिंक सलमान नीड कतरीना एंड कतरीना नीड सलमान. बोथ आर एक्सेलेंट. आउट ऑफ 5 5 उससे ऊपर आता है, 5 से ऊपर कुछ वो भी दे दो, लेकिन 5 out of 5 is too good. Very good. Thank you. Movie awesome, of course awesome. The movie was super, mind blowing. Action बहुत अच्छा है, romance भी अच्छा है. Both pair are very nice and I love you Salman Khan obviously. He's my favorite. Everything was nice. 5 out of 5 I will give. भाई का काम एक नंबर. ऑब्वियसली इट वॉज वेरी नाइस. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैर है. केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है दोनों की. सॉन्ग्स आर ऑल्सो वेरी नाइस. स्वैग ऑब्वियसली 5 out of 5. सब स्टार जितने हैं उतने स्टार. अच्छी की बात. क्या कौन सा गाना पसंद है आपको? सेक्स करेंगे सबका स्वाद. और सलमान खान कितने में फेवरेट है? एक्सीलेंट. आई थिंक सलमान इज कैटरीना पसंद है आपको? अधूरा विदाउट कैटरीना. कैसे लगे दोनों साथ में? अच्छा लगा. आई थिंक दे बहुत अच्छी लगी. टाइगर इज इन दैट. थैंक यू. हाउ इज द फिल्म? फिल्म वाज रियली अमेजिंग. इट वाज अ पावर पैक परफॉर्मेंस ऑफ सलमान खान विद ऑल द एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर. एंड ऑल्सो द कैटरीना कैफ का जो रोल था सपोर्टिंग, प्लस उनका जब आना था तब आ गए, जब जाना था जब चले गए. बोर नहीं किया उन्होंने कि अभी चलो गाना गा रहे, रोमांस कर रहे हैं. तो 10% में वो आ गए, जो काम करना था कर गए. एंड बाकी जो लाइन्स वगैरह सलमान ने कहा था कि मतलब वतन से मुझे बहुत प्यार है एंड ऑल द थिंग्स, तो उससे एक टचिंग मतलब इमोशनल फीलिंग भी अटैच हो गई. तो ओवरऑल मूवी इज रियली अमेजिंग. बट फर्स्ट पार्ट वॉज थोड़ा बेटर था थोड़ा सा, बट ये एक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था. Yeah, of course. And out of 5, how many stars? 4.8 or 4.9. उठ नहीं पाएंगे आप 3 घंटे सीट से, देखना ही पड़ेगा. Thank you. It was awesome. Tubelight के average होने के बाद Tiger is back with a bang. और 2017 is ending on a high note. और ये movie में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ दिया है कोई चीज़.
एक्शन एक्शन है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, गाने अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। सलमान नाम ही काफ़ी है, वो तो मूवी चल रही है सलमान, और इसकी केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है कटरीना की। और सपोर्टिंग कास्ट में अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा, परेश रावल, ये तीनों का बढ़िया एक्टिंग था। 5 out of 5 Excellent. Fantabulous. Fantastic. After 5 years, Katrina and Salman on screen, so how was it? It was great, as always. Nice. As always, they are great. After the first part, we were expecting that the second part would come soon, and this became a hit film this time. How was Bhai ka performance? Bhai ka performance. Bhai ka action was the best. Sabse best action. It was shouting Bhai, Bhai, Bhai karke main shouting. Entry scene is always great. Action is also great. Jio channel. Taali city. शिकार तो हर कोई करता है, लेकिन टाइगर जैसा कोई शिकार नहीं करता। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मूवी काफ़ी अच्छी थी, सभी का काम अच्छा था। एज ऑलवेज सलमान का और दोनों की जोड़ी एकदम इंटरेस्टिंग थी, सलमान और कटरीना की। और एज यूजुअल लाइक परेश रावल, जिनकी कॉमेडी ऑलवेज एकदम हिट होती है। ओके एंड इस फिल्म से और एक मैसेज दिया है कि देर शुड बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके एंड If I, like, मुझे अगर पूछा जाए रेटिंग के बारे में तो रेटिंग आई विल गिव 4.5 ओके एंड इट विल क्रॉस अ बिजनेस ऑफ मोर देन 300 क्रोस। यस 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 एंड एक्शन में वापसी की है एंड लाइक ही हैज गिवन अ कॉम्पिटिशन टू कटरीना कैफ। वेलकम। डिफरेंट फर्स्ट पार्ट में सलमान खान ने एक्शन थोड़ा कम था, बट इसमें एक्शन, सॉन्ग, रोमांस सब था और बहुत अच्छी तरह से था। दैट वाज सुपर। स्वैग से स्वागत। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फिल्म की एंट्री सलमान खान की अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभाया इस फिल्म में। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। लास्ट का डायलॉग याद नहीं आ रहा। हाँ, जब भी मेरे देश को मेरी जरूरत हो तो टाइगर जिंदा है।